छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल लोकसभा प्रत्याशी घोषित होने के बाद राजनांदगांव पहुंचे और भाजपा सरकार पर किसानों और आम जनता के शोषण का आरोप लगाया। लोकसभा प्रत्याशी घोषित होने के बाद छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल राजनांदगांव पहुंचे। बघेल ने प्रदेश सरकार पर जमकर निशाना साधा। इस दौरान बघेल ने भाजपा सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि सभी योजनाएं सुचारू रूप से चल रही थी, हमने जो वादे जनता से किए थे उन सभी वादों को पूरा किया, लेकिन प्रदेश में भाजपा की सरकार आते ही सारी योजनाएं बंद हो गई हैं। इस सरकार में किसान आम जनता अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रही है। ना केवल मारा जा रहा है बल्कि उनको जेल में छोड़ा भी जा रहा है। बंद कर रहे हैं, फिर से भय व्याप्त होगा। 5 साल पूरे नक्सल प्रभावित क्षेत्र में नक्सलियों को हमने पीछे धकेल दिया था। 600 गांव खाली उनसे करा लिए थे। सड़कें, पुल, पुलिया, आवागमन, स्कूल, हॉस्पिटल सबका निर्माण हमने किया, लोगों के जीवन स्तर ऊपर उठाया। लेकिन अब इस सरकार आने के बाद लगातार चाहे पाकेर हो या बस्तर हो, लगातार नक्सली हमले हो रहे हैं, लोगों की जाने जा रही है, फर्जी इनकाउंटर हो रहे हैं, फर्जी केस बनाए जा रहे हैं। अब पुलिस पे यह दबाव है कि कितने नक्सली गिरफ्तार किए। हमारी सरकार थी तब एक भी भरमार बंदूक की जब्ती नहीं हुई थी, जबकि भरमार बंदूक की जब्ती शुरू हो। भाजपा सरकार में ही भरमार बंदूकों की जब्ती होती है, फिर से शुरू हो। इस प्रकार से इनके कार्यशैली है। और ये जो जितने गारंटी की बात करें, लोगों को विश्वास नहीं हो रहा है। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।